आजमगढ़ जिले के रोनापार थाना क्षेत्र के पंडित नगीना स्मारक महाविद्यालय मार्ग पर जमीनी विवाद में एक दिन पहले महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। विपक्षियों द्वारा किए गए चाकू के हमले से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान शीला देवी उम्र 44 वर्ष के रूप में हुई थी। इस मामले में मृतका के परिजनों ने 5 आरोपियों के विरुद्ध रौनापार थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में SP अनुराग आर्य ने चौकी प्रभारी महुला को निलंबित भी कर दिया है। इस मामले में जिले के SP अनुराग आर्य का कहना है कि घटना में शामिल दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। SP अनुराग आर्य ने बताया है कि यह पूरा मामला आबादी की जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। फरार आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मृतका का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बता दें कि थाना रौनापार में जमीनी विवाद के कारण महिला की हत्या के प्रकरण में घटनास्थल पर गए CO फूलपुर की रिपोर्ट के आधार पर चौकी प्रभारी महुला का कार्यभार देख रहे उप निरीक्षक राकेश तिवारी को प्रकरण में लापरवाही बरतने के लिए SP अनुराग आर्य द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थापित की गई है। बता दें कि शीला देवी पत्नी अभिमन्यु मौर्या रौनापार थाना क्षेत्र के पांडेपुरवा की निवासी थी। अपने पति के साथ लाट घाट बाजार में पोस्ट ऑफिस पर आधार कार्ड बनवाने के लिए गई थी। बाजार से शाम को वापस आते समय आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर पंडित नगीना स्मारक विद्यालय के रास्ते पर मुख्य मार्ग से 10 मीटर दूर बाइक सवार 2 युवकों ने महिला को चाकू मार दिया। इस हमले में शीला देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। पति ने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। दोनों पक्षों में 2 दिन पूर्व मौर्य दंपति के द्वारा चहारदीवारी निर्माण करते समय विवाद हुआ था, जिस पर दोनों पक्षों का शांति भंग में चालान किया गया था। जमीन को लेकर वर्षों से दोनों पक्षों के बीच विवाद चला रहा था, जिसे घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। कल 11 सितंबर को दोपहर लगभग 3 बजे थाना रौनापार पर पांडे का पूर्वा गांव निवासी श्रीमती शीला देवी के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा चाकू से हमला करने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां शाम को 5:30 बजे के आसपास इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर FIR नंबर 303/23 धारा 302 307 120B 506 IPC थाना रौनापार पर पंजीकृत किया गया है। इसकी विवेचना SHO रौनापार के द्वारा की जा रही है। ये मुकदमा 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध लिखा गया है, जिसमें से मुख्य अभियुक्त समेत 2 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस प्रकरण में कठोर कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अभी तक घटना का कारण आबादी की जमीन को लेकर विवाद प्रकाश में आया है। मृतका के पोस्टमार्टम की कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। आगे की कार्रवाई साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए और बहुत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अभियुक्तों के विरुद्ध की जाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।